बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सीक्रेट रेसिपी लेके आया हूँ KFC फ्राइड चिकन की। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतना जूसी कैसे बनता है, कौन से ऐसे राज हैं, तो दो सीक्रेट्स हैं जो आज मैं आपको रेसिपी में डिस्कस करूँगा। रेसिपी को कम्प्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में 1 टेबलस्पून लेंगे सोया सॉस का और 1/2 टेबलस्पून लेंगे डार्क सोया सॉस का। अगर आपके पास नहीं है तो 2 टेबल सोया सॉस ही आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही जाएंगे इसमें सिरके के। अगर आपके पास नहीं है तो 4 लेमन ऐड कर लें, फ्रेश लेमन का जूस। और ये है हमारे पास चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून। तो ये है हमारे पास लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, और जो अदरक है उसका भी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, और ये है नमक, ये भी 1 टीस्पून जाएगा इसमें। अभी एक बहुत अहम चीज़ जो आगे जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च है इसमें। अब फर्स्ट जो इसका सीक्रेट है ना इस रेसिपी का कि चिकन इतना जूसी क्यों होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट सीक्रेट, मिल्क 1 प्याली, मतलब कि 1/2 कप आपने इसमें मिल्क का ऐड करना है, और इसमें आपने चिकन को डाल देना है। मैंने ये स्किन वाला चिकन लिया है जो एक्चुअल रेसिपी में यूज़ होता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल जो लेग पीस होते हैं या चिकन के पीसेज जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर दें, और फिर आपने कम से कम इसको 2 घंटे, और सही रिजल्ट्स के लिए कम से कम आपने इसको 5 घंटे मैरिनेट करके रखना है। इसको फ्रिज के अंदर रखिएगा। ये लीजिए, अच्छे से डिप कर दें आप इसको। ये इतना अंदर से जूसी हो जाएगा, ये इस मिल्क को अब्जॉर्ब कर लेगा। और यकीन करें, आगे जो सेकंड इसका सीक्रेट है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तब आपको समझ आएगी कि ये अंदर से जूसी कैसे बनेगा। कवर कर देते हैं इसको और रख देते हैं फ्रिज में। तो मिलते हैं 5 घंटे के बाद। तो यहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं। अपने प्यारे से बॉल के अंदर लेंगे 2 कप मैदे के, अच्छे से छान के हमेशा यूज़ किया करें इन चीज़ों को। और ये है हमारे पास लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप मिस नहीं कर सकते। और ये है हमारे पास चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये परचेज कर लें मार्केट से। बहुत सी रेसिपीज़ में ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पाउडर नहीं जाएगा इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें। और अगली चीज़ नमक 1 टीस्पून। तो आज कोटिंग के ऊपर भी काफ़ी मेहनत होने वाली है, क्योंकि एक एक चीज़ आज की जो रेसिपी की है वो बहुत स्पेशल है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जहाँ पे लोग गलती करते हैं नॉर्मली, उनसे क्रम्स नहीं बनते, तो क्या वो गलतियाँ होती हैं मैं आज आपको बताऊँगा अच्छे से। ये लें जी, ये हमारा चिकन, जिसको तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, इसने काफ़ी सारा जो मिल्क है उसको अब्जॉर्ब कर लिया है, काफ़ी जूसी हो चुका है। तो ये देखें, इसको आपने क्या करना है, ये जो हमने तैयार किया है मैदा इसके अंदर डालेंगे, और राइट हैंड की साइड पे कर लेते हैं। अब ये इतना होना चाहिए कि आपका ये जो चिकन का पीस है ना, ये नीचे स्किन बॉल के साथ टच नहीं होना चाहिए, बीच में हमेशा मैदा होना चाहिए। एक दफ़ा अच्छे से लगा के दबा के एक्स्ट्रा जो मैदा है वो उतार देंगे, और ठंडे पानी के अंदर, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, गर्म नहीं होना चाहिए, बस उसके अंदर 2 से 3 सेकेंड डिप करेंगे। बाद में पानी एक्स्ट्रा उतार के इसको वापस इस मैदे के अंदर डालेंगे। अब आपने इसके ऊपर मैदा डालना है। अहम बात ये कि आपका हाथ डायरेक्टली मीट को टच ना हो, ना ही बॉल का जो पैंदा है वो भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टली आपने इसके ऊपर दबाना है पहले इसको, और उसके बाद आपने हार्डली इस तरह से मरोड़ियाँ से इसके ऊपर आपने बनानी, ठीक है, क्रम्स, उसको पंजाबी में मरोड़ियाँ कहते हैं, आप आसानी से समझ लेंगे। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो एक्स्ट्रा जो ऊपर मैदा है उसके एक ना मरोड़ से बन जाएंगे, तो उसको ही क्रम्स कहा जाता है। ये देखें आप, मैं स्क्रीन को स्किप नहीं कर रहा ताकि आप अच्छे से देख सकें। अब आपने इसको झाड़ना है इस तरह से, और ये देखें क्रम्स जो हैं वो खूबसूरती से बन चुके हैं, ये देख लें आप। अगर स्किन ऊपर ना ना होती तो ये इससे भी अच्छे बनने थे, ठीक है, लेकिन स्किन इस रेसिपी में ज़रूरी है क्योंकि हमने बहुत ही जूसी चिकन बनाया। ये दूसरा भी तैयार हो गया। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट ये है कि जब आपने इसको ऑयल में डालना है तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद
आपने टेम्परेचर को लो कर देना है और इसकी साइड्स को आपने चेंज कर देना है, और ये डीप फ्राई करना आपने इतना कि ये नीचे जाके टच ना हो पैंदे के साथ, ठीक है। और फिर आपने आंच को लो कर देना है। मैं मीडियम की बात नहीं कर रहा, मैं लो की बात कर रहा हूँ, और आपको बबल से नज़र आ रहा होगा कि टेम्परेचर कितना कम है। अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ मज़ीद, ये देखिए आप, ये लो टेम्परेचर पे मैं पका रहा हूँ, और आपको शायद यकीन नहीं आएगा, आपने इसको 12 से 14 मिनट पकाना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी स्किन ऊपर से ये जो क्रम्स हैं ये हार्ड नहीं होंगे, ये क्रंची रहेंगे, और अंदर से ये इतना जूसी होगा कि सुभान अल्लाह। तो ये ट्रिक था, ये सेकेंड सीक्रेट था इसका। ये देखिए आप माशाल्लाह से, अब इसके क्रम्स जो हैं ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए, ना ये जले हैं, ना ये सख्त हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको लो आंच के ऊपर पकाया। तो बाकी भी डाल लेते हैं और उनको पका लेते हैं, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ पीस अंदर से कितना जूसी है, जो कि आज की रेसिपी का मेन टारगेट था हमारा। ये लें जी, और क्रम्स देखें माशाल्लाह से। तो तोड़ते हैं और देखते हैं ये कितना सॉफ्ट है और कितना जूसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, कितना जूसी है, कितना शानदार है। देखें जी उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरी हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो ये अभी ख़त्म हो गया यहाँ पे, और ये दो बचे हैं। दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। दुआओं में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।